हेलो फ्रेंड्स, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने फर्टिलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट किया था। फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन जब एग सेल के साथ में मिलते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं ये हैप्लॉयड नंबर में होते हैं, ऐसे ही एग सेल जो होता है ये भी हैप्लॉयड नंबर में होता है। और ये जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉयड जायगोट का। डिप्लॉयड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं और इनके अंदर हाफ रहते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। तो जो यहाँ पे पोलन ग्रेन के साथ में जिस मेल गैमेट में फ्यूज़ किया था, मतलब पोलन ग्रेन ने जो एग सेल के साथ में फ्यूज़ किया था उसमें हमारा प्राइमरी मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ था एग सेल के साथ। मैंने आपको बताया था जब पोलन ग्रेन का मैंने डेवलपमेंट बताया था तो उसमें बताया था कि पोलन ग्रेन के ट्यूब के अंदर, यानी पोलन ट्यूब के अंदर टू मेल गैमेट होते हैं, प्राइमरी मेल गैमेट और सेकेंडरी मेल गैमेट। प्राइमरी मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज़ होके जायगोट का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि डिप्लॉयड होता है। सेम डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ये सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि ओव्यूल के अंदर, मैंने आपको बताया था ये जो ओव्यूल था हमारा इसके अंदर यहाँ पे तो एंटीपोडल सेल्स थे, यहाँ पे हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे और यहाँ पे हमारे एग एपरेटस था। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई थी ये फर्दर डेवलप होके किस में डेवलप हो गई थी, हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियस में डेवलप हो गई थी। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये सेकेंडरी मेल गैमेट के साथ में फ्यूज़ होके प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है ये हैप्लॉयड नंबर में होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है ये डिप्लॉयड नंबर में होता है। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड मिल करके ट्रिप्लॉयड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है ये ट्रिप्लॉयड होता है, यानी कि इसका जो नंबर होता है वो होता है 3x। इसके अंदर ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी और न्यूक्लियस और सेकेंडरी मेल गैमेट दोनों मिला के ट्रिप्लॉयड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे इस पहले फर्टिलाइजेशन के दौरान जो प्रोडक्ट हमें मिला था वो जायगोट मिला था, दूसरे के दौरान हमें एंडोस्पर्म मिला, इसलिए इन दोनों प्रोसेस को मिला के हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ट्रू फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट हमारा जायगोट होता है और डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है जो कि ट्रिप्लॉयड नंबर में होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो आया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है, तो एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हुआ हमारा फर्टिलाइजेशन अब कंप्लीट। इसके बाद बात आती है हमारी एंडोस्पर्म। अब मैंने अभी बताया आपको कि एंडोस्पर्म जो है वो हमारे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। इस एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेल गैमेट फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये एंडोस्पर्म जो होता है ये ट्रिप्लॉयड नंबर में होता है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको नरिश करने का काम करता है। तो आगे मैं आप बताऊँगी कि हमारे जो एंडोस्पर्म होता है वो किस तरीके के उसके टाइप्स होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट में हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म मिलता है जो कि ट्रिप्लॉयड नंबर में होता है। अब इस एंडोस्पर्म के टाइप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइप होता है न्यूक्लियो एंडोस्पर्म,
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें जो हमारा ये आप देख रहे हो ये एक एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के अंदर ये जो देख रहे हो आप, इसमें क्या है, ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं, एक ये जो एम्ब्रियो होता है ये फ्री डिवीज़न करता है। फ्री डिवीज़न के दौरान जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो इस सेल के पेरिफेरी पे आ जाते हैं और बीच में क्या बना देते हैं, एक वैक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सेलुलर वॉल्स नहीं बनती हैं, इसलिए ये एक वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। और वैक्यूल फॉर्म करने की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो इसकी पेरिफेरी में बहुत ही डेंस फॉर्म में मिलता है। ये इसके न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, और जो एम्ब्रियो होता है ये फ्री डिवीज़न में डेवलप करता है, इसलिए इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरी पे पहुंच जाते हैं। ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है कोकोनट वाटर। अगर हम 56% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखें तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का एंडोस्पर्म हमें मिलता है। दूसरा होता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि यही फ्री डिवीज़न होने के दौरान जो सेल होते हैं वो सेलुलर वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वैक्यूल नहीं बनता है। ऐसे टाइप को हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। तो अगर हम एंडोस्पर्म के सेकंड टाइप की देखें तो सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मैंने आपको बताया था तो उसमें वैक्यूल फॉर्म हो रहा था सेंटर में, इसमें क्या होता है ऐसा नहीं होता है। इसमें सेल डिवीज़न होने के बाद में जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरीफेरी पे तो जाते हैं बट सेंटर में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा जो टाइप देखा जाता है वो देखा जाता है वर्बस्कम में और विलर्सिया में। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है इसके अंदर दोनों टाइप के देखे जाते हैं, कौन सा, न्यूक्लियर और सेलुलर, दोनों टाइप के एंडोस्पर्म का सेल डिवीज़न होता है। अगर इसके सेल डिवीज़न की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसके जो चलजा पॉइंट होता है, रीज़न होता है, उसमें भी डिवीज़न होता है, और इसके जो हमारा माइक्रोपाइल रीजन होता है इसमें भी डिवीज़न होता है। बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके डिवीज़न के बाद जो सेल का जो बिगर साइज होता है वो चलजा रीजन में क्या करता है, वैक्यू मतलब कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करता है। पर इसमें जब हम देखें नीचे माइक्रोपाइल रीजन में, इसके डिवीज़न के दौरान सेल वॉल फॉर्म हो जाती हैं, यानी कि इसी के अंदर हमने दोनों न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म का देखा कि जो चलजा है उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और जो हमारा माइक्रोपाइल रीजन है उसमें हमारे सेल वॉल सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा हमारा मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। तो ये तो टाइप हुए हमारे क्या, किसके, एंडोस्पर्म के। अगर हम फंक्शन की बात करें एंडोस्पर्म के, तो एंडोस्पर्म का फंक्शन जो होता है वो जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको डेवलप करने में मदद करता है। वो उसमें क्या होता है, वो डेवलप करने में मदद करता है। तो अगर हम एंडोस्पर्म के फंक्शन की बात करें तो ये न्यूली ग्रोइंग प्लांट जो होता है उसको नरिश करता है और हमारे न्यूली डेवलप्ड एम्ब्रियो को नरिश और उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो फंक्शन और हमारे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हुए। इसके बाद बात आती है हमारी, मैं इस चैप्टर में था डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।